मेरे पास इस चीज का क्वेश्चन आ रहा है कि एनिमेट में हमें ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपको आज के छोटे से वीडियो में ये बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप उसको एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो छोटा सा वीडियो है, बस एक बार ये देख के आप अंडरस्टैंड कर लो। ये मैंने ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। किसी भी शेप में अगर आपको ग्रेडियंट डालना है तो पहले तो आप वो शेप ले लो। ये ले लिया, स्ट्रोक मैंने डिलीट कर दिया, आप रखने को रख भी सकते हो, बट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक से कोई लेना देना चीज का। आपने कलर को सिलेक्ट कर लिया इस वाले को, ठीक है, कंट्रोल F9, ठीक है। ये है आपका खुल के आएगा, ये शॉर्ट कमांड है, खुला होगा तो बंद हो जाएगा, अगर नहीं है तो खुल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर विंडो में जाकर भी आप ये कलर स्वच्छ कलर का आप ये ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये आपने यहाँ पर जैसे आपने इसको सिलेक्ट करके ना, तो बाय डिफॉल्ट ये कलर आपका आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं भी सिलेक्ट करना, अगर आपका कोई और कलर सिलेक्ट हुआ हुआ तो यहाँ पर, और ये नहीं भी अगर ओपन हुआ हो तो कंट्रोल F9 करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आ जाएगा, ठीक है। स्वच्छ से आप कलर में आ जाओ, यहाँ पर आप इसका लीनियर ग्रेडियंट पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप चले गए, आपने कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया, ये एक मिनट इसको सिलेक्ट करके रखो, अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये लाइव नहीं दिखाएगा, अप्लाई तो तब भी हो, लाइव होता हुआ नहीं दिखाएगा। तो आपने ये लीनियर डाल दिया, अब आपको सारा यहाँ पे दिख रहा है, मेरा ये पॉइंट था। अब देखो आप इसको जैसे जैसे चेंज करोगे ना, आपको लाइव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने देखो ये अप्लाई कर दिया, और नीचे का मैंने थोड़ा सा लाइटर वर्जन HSP में चला जाता हूं, इस तरीके से मैंने इसको लाके रख दिया। ये देखो दो तो मेरे ये अप्लाई हो गए। अब मैं इसके बीच में कोई और कलर भी ऐड अगर करना चाहता हूं तो आप बस यहाँ पर नीचे जाओ, तो आप देख रहे हो इसके कर्सर के साथ एक छोटा सा प्लस का साइन आ गया, वहां पर क्लिक करोगे तो आप कोई और कलर भी डालना चाहो तो आप सेंटर में वो डाल सकते हो, और इसको इसके साथ रख दो, इसको इसके साथ रख दो, इसको इसके साथ रख दो, तो जैसे भी टूटी फूटी आप बनाना चाहते हो वैसे आप बना सकते हो, जितने भी आप ऐड करना चाहते हो उतने आप ऐड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कलर और चीजें अगर सिलेक्ट करके रखोगे ना तो आपको सारा कुछ यहाँ पर लाइव दिखता चला जाएगा। जो जो अगर सिलेक्ट नहीं कर रखा होगा तो आप ये, अब जैसे आपने बना लिया ना, ठीक है, अब मैंने इसको डीसिलेक्ट कर दिया, अब मैंने कोई और शेप ले ली, मैं दूसरा रेक्टेंगल भी ले सकता हूँ, मैं दूसरी शेप भी ले सकता हूँ, मैंने अब ये ले लिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड इसके अंदर आ गया। इसके अंदर देखो कुछ नहीं है, तो आप ये देखो, अब मेरे को सपोज करो इसके अंदर भी ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ठीक है, और यही वाला ग्रेडियंट अप्लाई करना है। आप देखो कि यहाँ पर ना आपके स्वॉचेस में आ गया है, ये देखो यहाँ पर सबसे रिसेंट में जो है ना ये अप्लाई हुआ है, और यहाँ पर देखो ये सारी सेटिंग आपकी बनी हुई है, आप इसमें गए आपका ये कलर इसके अंदर भी अप्लाई हो गया। तो लेकिन ये वैसा अप्लाई नहीं हुआ जैसा, मतलब ये है ना, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है हमारा रेक्टेंगल, और ये बहुत छोटा एरिया है, ठीक है। तो इसमें इसको आप एडिट करना है अब आपको, तो उसके लिए क्या करोगे, शॉर्ट कमांड है F, F आपने प्रेस किया, ये जो सर्कल है बीच से आप हिला सकते हो और इसके साइज पर छोटा कर लो, तो ये आपका पूरा कलर इसके अंदर आ गया। दोबारा बता देता हूं, आपने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ये आपका है, आपने F प्रेस कर दिया टू एडिट दिस, अब आपने इसको घुमा देना है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना, और इससे आप इसकी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो, घुमाना है घुमा लो, स्केल करना है स्केल कर लो, पोजीशन मैनेज करनी है पोजीशन मैनेज कर लो, राइट। इस तरीके से है, बहुत छोटी सी चीज है, बट ये देखो अगर आपको जैसे स्काई वगैरह बनाने होते हैं तो वो भी हमारे इसी तरीके से बनते हैं, कोई बैकग्राउंड सीन है या कुछ है आपने इसका स्काई बनाना है तो ये है, आपने लीनियर में चले जाओ, हटाओ इन सबको, सिलेक्ट करके डिलीट इसको, सॉरी सिलेक्ट करके डिलीट नहीं, ड्रैग करके बाहर खींच दो तो ये आपका बाहर आके डिलीट हो जाएगा, और इसको आपने ले लिया व्हाइट अप्लाई करके डाल दो इसमें, एफ प्रेस करो, ये हमारा यहां पर आया हुआ है, वापस लेकर आओ, ये रखा और रोटेट कर दो इस तरीके से, ये आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो गया और आपका स्काई बन गया, ये हमने सिंबल बना दिया, स्ट्रोक को डिलीट कर दिया, ये देखो इस तरीके से। तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि हमारा ग्रेडियंट किस तरीके से अप्लाई होता है और उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, समझ में आया होगा तो थम्स अप देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना आगे जुड़े रहने के लिए और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।